हेलो एवरीवन, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मीठी बूंदी, वो भी बिना कढ़ाई रखे हुए, बिना झारे का इस्तेमाल किए हुए। ये बूंदी बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मीठी बूंदी बनाने के लिए गैस पर रख लेंगे कोई पैन, कढ़ाई या पतीला जिसमें आपने बनाना हो, और उसमें डाल लेंगे शुगर। ये मैंने 200 ग्राम शुगर ली है। मेजरिंग वाले कप से नापे तो बड़ा वाला मेजरिंग कप है एक पूरा। और अब इसमें डालेंगे पानी 100 ग्राम, यानी मेजरिंग वाला जो हाफ कप होता है उससे हल्का सा ज़्यादा डाला है मैंने पानी। अब इसमें मैं डाल दूंगी लेमन जूस, नींबू का रस। इसको हमने सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स डालना है। इसको डालने से टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस इसको डालने से जो हमारी शुगर है वो जमने का डर नहीं रहता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 हरी इलायची, इसको मैं तोड़कर डाल रही हूँ इसमें। और साथ में इसमें मैं डालूंगी अब 2-3 ड्रॉप्स डालना है केवड़ा एसेंस। इसको डालने से बूंदी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आ जाती है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह रोज एसेंस डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी केसर, कुछ थ्रेड्स मैं इसमें केसर के डाल दूंगी। अगर केसर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें देखें बॉईल आना शुरू हो गया है, तो गैस को हमने इस समय मीडियम ही रखा हुआ है। थोड़ी देर इसे ऐसे ही बॉईल होने देंगे। चाशनी बनाते वक्त आप मेजरमेंट का खास ख्याल रखें और बिल्कुल सही मेजरमेंट से शुगर और पानी वगैरह डालें। तो एक तार की चाशनी हमने बनानी है। अगर आपके पास चाशनी पहले से ही कोई पड़ी हुई है या बची हुई है, आपने कुछ बनाया है घर में गुलाब जामुन वगैरह, तो आप उस चाशनी का भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। वैसे बूंदी को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा मुश्किल होता है, मीठी बूंदी को बनाना, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी अपने चैनल पर दे दूँगी। तो ये जो रेसिपी मैंने आज बनाई है वो बिगनर्स के लिए, या फिर जब बच्चे बहुत जिद करते हैं मीठी बूंदी खाने का, तो उसको फटाफट बनाने के लिए रेसिपी है। अब इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फिंगर और थंब के बीच में थोड़ा सा लेकर चाशनी को इस तरह चेक करना है। अब इसमें देखिए एक तार बननी शुरू हो चुकी है। अब बूंदी आप चाहें तो बिना कलर इसमें डाले हुए प्लेन ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ये पाउडर वाला, मेरे पास खाने वाला फूड कलर है ऑरेंज कलर का, तो ये इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 2 पिंच, यानी 2 चुटकी भर, बस इतना ही काफ़ी होगा इसके लिए। कलर डालने से बूंदी का जो है कलर बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि हम मार्केट से लेते हैं बूंदी, बिल्कुल वैसे ही कलर की बूंदी तैयार होगी। अब चाशनी हमारी बन गई है, तो गैस को कर देंगे बंद। अब चाशनी को मैं एक बॉल में डाल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें चाशनी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें डालना है बूंदी। तो ये मेरे पास फीकी वाली बूंदी है। ये वही बूंदी है जो कि हम रायता वगैरह डालने में यूज़ करते हैं। बूंदी हम इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालकर देखेंगे। ये देखिए, अभी एक बॉल लिया है मैंने छोटा वाला बूंदी का, तो अभी पूरा नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, मिक्स करके देख लेते हैं। तो अभी चाशनी ज़्यादा है तो बूंदी पूरी डाल दूंगी। अभी भी चाशनी ज़्यादा है तो थोड़ी बूंदी मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो इस तरह से आपने मिक्स करके देखना है कि कितनी बूंदी की उसमें ज़रूरत है। अब ये देखिए, थोड़ी थोड़ी चाशनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब इस समय हम इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि जो बूंदी है वो चाशनी को सोख लेगी। अब थोड़ी देरी हुई है और देखें बूंदी ने चाशनी को सोख लिया है। और ये देखें कितनी एकदम से खिली खिली सी बूंदी मीठी वाली बनकर तैयार हुई है। एक एक दाना अलग है, बिल्कुल ही चिपकी हुई नहीं है। तो ये देखें खिली खिली सी बूंदी तो तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पिस्ता बारीक बारीक काट कर डाल रही हूँ, या मेरे पास ये मगज है खरबूजे के बीज, उनको डाल रही हूँ। वैसे ये दोनों ऑप्शनल है। बूंदी तो ऐसे ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसको आप फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हमने बूंदी खानी है, तो आप उसे फटाफट बनाकर दे सकते हैं।
और बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए बहुत ही आसानी से घर पर इसे बनाया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।